सागर जिले में इस वर्ष 2,55,000 मैट्रिक टन गेहूं जबकि 1,15,000 मैट्रिक टन चना मसूर की खरीदी हुई। जिले के लगभग प्रत्येक मंडी अनाज की बोरियों से पटी पड़ी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुले में भारी मात्रा में पड़े अनाज को जिसे जानवर भी खा रहे हैं, जो खुले में पड़ा हुआ है। यह अनाज अब बारिश में भीग कर नष्ट होने की कगार पर है। जिले के अनेक स्थानों पर पिछले 3 दिनों से रोज शाम को बारिश हो रही है और अनाज भीग रहा है, लेकिन कछुआ गति से चल रहे परिवहन के चलते ऐसा नहीं लगता कि अनाज को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। वही अनाज भीगने से बेपरवाह स्थानीय प्रशासन चेन की बंसी बजा रहा है। आप खुद सुनिए खुरे के SDM जो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, ज्यादा आवक है, इसलिए हालात ऐसे बने हुए हैं, जल्द ही स्थिति सुधर जाएगी। किसानों का अनाज नहीं है, ये शासकीय उपार्जित अनाज है। हल्की बारिश हुई है और मौसम खुलने को सूख जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है और अभी उसकी छल्ली लगा के उसके तिरपालों से भी खतरे में सोसाइटी है। तो किसान तो तिरपाल लेके ही आए हुए हैं, किसान तो अपने साथ तिरपाल लेके आए हैं। परिवहन हो तो रहा है लेकिन अनाज आ बहुत रहा है। परिवहन तो डेली 20-22 गाड़ियाँ निकल रही हैं और ट्रांसपोर्टर को और निर्देशित किया गया है कि वो गाड़ियों की संख्या बढ़ाए ताकि जो शासकीय उपार्जित अनाज है उसको जल्दी से जल्दी वेयरहाउस में सुरक्षित रखवाया जा सके। बरसात से बचाव के लिए छलियाँ आज लग के और उसको तिरपालों से ढकवाने का काम कर रहे हैं, आज वो रात तक हो जाएगा। इन अफसरों को सुना आपने, अब आप उन किसानों को भी सुनिए जिनका अनाज भीग गया है। नहीं सर, नहीं हो पा रहा है, पानी बरस रहा, बारदाने की कैसे बारदाने करते हैं नहीं, हम लोग बहुत हैरान हुए। कितने दिन से यहाँ पे? अरे हम तो यहाँ से आज ही आए हैं, दोपहर 10:00 से बैठे, पानी बरस गया, देखो कितना जम के मेरे पानी, सब पानी भीग गया हमारे चना। फिर हम तैयार हो गए, आए थे कि पानी बरसने तो तिरपाल वगैरह लेना पकड़ हो जाए, बस याद ही परेशान हुए सब। किसान 2 दिन ठंडा नहीं जाके क्या बहुत कछ तो 2 दिन की बता रहे हैं, 2 दिन से है, चना नहीं तुर रहा, गीला हो रहा, बारदाना नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी है। एक और जहां खुरे SDM कह रहे हैं कि जल्द परिवहन हो जाएगा, वहीं कलेक्टर के अनुसार परिवहन कार्य पूर्ण होने वाला है। अपनी जवाबदारियों और जिम्मेदारियों से लापरवाह इन अफसरों को मंडियों में लाखों टन अनाज सड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंडियों में अनाज का इतना भंडारण है कि पिछले 15 दिनों से किसान को अनाज बेचने में पसीना आ रहा है। गेहूं में इस बार हमारे पास 2,55,000 मीट्रिक टन और चने में लगभग 1,15,000 मीट्रिक टन की आवक हो चुकी है। गेहूं का 98% हमारा परिवहन हो चुका है, लगभग सभी माल भेजा जा चुका है। चने और मसूर में 73% परिवहन हुआ है, इसमें लगातार गोदामों पे इसमें एक नया सिस्टम है जिसमें सर्वेयर का OTP जनरेट होता है और उसके आधार पर फिर उसमें परिवहन किया जाता है। हमने 2 तरह की व्यवस्थाएं की है मंडी में, जहाँ पे सेट खाली हैं उन सभी सेट में उसको थप्पी लगा के उसको रखा गया है और जो बाहर पे अनाज है उसमें कोशिश करके उस पर तिरपाल डाले जा रहे हैं और जो बाहर माल पड़ा है उसको लगातार शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 150 से 200 ट्रक हमारे लगे हुए हैं, शहर में जितने जिले में और भी गोदाम उपलब्ध थे उन सभी गोदामों को हम लोगों ने खुलवा लिया है और उन पर सर्वेयर, जो कि खरीदी धीमी हो गई तो सर्वेयर हमारे सभी गोदामों में पहुँच गए। चना मसूर की खरीदी में ये सिस्टम था कि सर्वेयर गोदाम में भी रहना चाहिए और खरीदी के समय भी रहना चाहिए, तो अब हमारे पास सर्वेयर उपलब्ध हो गए हैं जो कि उन गोदामों पर भी हैं। 75% हम कर चुके हैं, 25% बचा है। कोशिश ये है कि ज़्यादातर माल जो सेट है उसके अंदर आ जाए और जो बाहर पड़ा हुआ है उसका तेज़ी से। दरअसल मंडियों में जो अनाज पड़ा हुआ है वह अनाज जिसको शासन ने किसानों से खरीद कर उन्हें भुगतान कर दिया है, अब अगर यह अनाज नष्ट होता है तो शासन को करोड़ों रुपए की चपत लगना तय है। अब अनाज के परिवहन को लेकर हमने जिले के प्रभारी मंत्री से बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि परिवहन न होना किसान की समस्या नहीं है, यह समस्या सरकार की है। लगभग 3 लाख जो क्विंटल माल है वो सोसाइटियों ने खरीद लिया है लेकिन परिवहन नहीं हो पा रहा है, किसान भी अब वहाँ लाइन में खड़े हैं, 3 दिन बचे हैं खरीदी के लेकर। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं जब तक एक एक दाने की खरीदी नहीं हो जाएगी तब तक खरीदी बंद नहीं होगी। नहीं लेकिन जो पानी गिर जाएगा यदि वो माल कर रहे हैं वो किसान की समस्या नहीं वो सरकार की। इन प्रशासनिक अधिकारियों के इन जवाबों से कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी संजीदा है। शायद उनकी सोच हो कि अगर अनाज सड़ता है तो सड़ जाए, नुकसान होता है तो हो जाए, आखिर नुकसान राज्य सरकार का हो रहा है, भला इनको इससे क्या।
फिर सवाल उठता है कि आखिर लाखों क्विंटल अनाज भीग कर खराब हो जाएगा तो शासन को करोड़ों की चपत लगना लाजमी है। अब ऐसे में जनता का पैसा है जो कि यूं ही चला जाएगा। अब देखना होगा किस प्रकार की कार्यवाही हो पाती है या नहीं। अनिल वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सागर।